వెంకటేష్ ఇంకా లేవా? రిసెప్షన్ ఉంది. తీసుకురా రిసెప్షన్. సరే బయట బయట కొత్త యూజర్నా ఇదంతా? आज एक इतला पे अफजलगंज पुलिस स्टेशन के क्राइम टीम और कमिश्नर्स टास्क फोर्स ई जोन जॉइंट ऑपरेशन में एक रॉबरी गैंग को पकड़े हैं, जिसमें चार मुजरिम शामिल इन्वॉल्व है और इनके पास 1,76,000 रुपीज़, तीन बाइक्स, एक नाइफ और चार सेलफोन का बरामद हुआ. अक्यूज का डिटेल्स, मोहम्मद सिराज ये पान शॉप में काम करता है, हफीज़ बाबा नगर का है. सैयद नसीर ये एसी टेक्नीशियन है चंद्रायन गुट्टे का और इसके ऊपर एक राउडी शीट भी है कंचन भारतीय से. और शेख हमदान बिन सालम ये भी एसी टेक्नीशियन है एर्रकुंटा का. और अदनान बिन शफी ये मदीना कॉलोनी कोत्तपेट बारकास में रहता है. 20 तारीख मिडनाइट में एक इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ था, जिसमें कंप्लेनेंट शेख बबलू और सिराज ये दोनों संतोष नगर में पान शॉप में काम करते हैं, राघवेंद्र पान शॉप और लक्की पान शॉप. ये शॉप क्लोज करके शॉप ऑलरेडी सेल में लगाए थे, तो उसमें जो एडवांस मिला 2 लाख रुपए का, 1,90,000 रुपीज़ का, वो लेके ओनर यूसुफ को देने बाज़ार घाट जाने की तैयारी कर रहे थे. तो सिराज पीछे बैठा था और शेख बबलू गाड़ी चला रहा था. संतोष नगर से निकलकर ये अफजलगंज पीएस लिमिट्स रंग महल के पास आने के बाद दो लोग बाइक पे आके इनको इंटरसेप्ट करे और इनको चाकू दिखा के धमका के उनको मार के 1,90,000 रुपए इनसे छीन लिए. और ये इंफॉर्मेशन पे हम एक केस भी रजिस्टर करें, रॉबरी केस, केस नंबर 273/22. ये आने के बाद हमारा पूरा ई जोन टास्क फोर्स टीम और अफजलगंज के क्राइम टीम दोनों कैमरास और लोकल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके चार लोगों का गिरफ्तारी करें. और ये मालूम हुआ कि जो पीछे बैठा था सिराज ये प्लानिंग कर रहा था. सिराज